बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, बहुत ज्यादा सबकी फेवरेट है, बहुत मजे की होती है, चिकन टिक्का और चिकन मलाई बूटी। मैंने सोचा ईद भी आने वाली है तो कुछ बारबेक्यू स्टाइल आपके साथ जो है शेयर करूं, तो ये मैंने ग्रिल पे बनाई है और पहले मैंने जो है पैन पे बनाना बताई थी। तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगी, जरूर ट्राई करिएगा। चिकन मलाई बूटी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 500 ग्राम चिकन ले लिया था। इसकी बोनलेस चिकन लिया है मैंने और सेम इसी तरीके से मैंने मसाला लगाया है इसके ऊपर, जैसे मैंने लास्ट टाइम बीफ मलाई बूटी के लिए बनाया था। ये मैंने ओवरनाइट के लिए मैरिनेशन के लिए रख दिया था। आज मैं इसको जो है ग्रिल पे बनाऊंगी और आप मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से जो है चेक कर सकते हैं इसके इंग्रीडियंट सारे। इसी तरीके से मैंने सेम टिक्के पे भी जो है ओवरनाइट जो है मैरिनेशन के लिए इसको रख दिया था। इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है और आज ये मैं जो है ग्रिल पे बनाऊंगी चिकन टिक्का जो है। चटनी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने फ्रेश पुदीना ले लिया है थोड़ा सा, और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे धनिया ले लिया है, दो मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट और एक लाल मिर्ची को मैंने जो है ग्राइंड कर लिया था। हाफ प्याली मैंने यहाँ पे टोमेटो पेस्ट ले लिया है, एक मैंने जो है लेमन जूस ले लिया है, थोड़ा सा मैंने 1 टीस्पून जीरा, 1 टेबल स्पून लाल मिर्चें और 1/2 टीस्पून नमक ले लिया है। अब मैं इन सबको ग्राइंड कर लूंगी। ये सारी चीजों को हम ग्राइंड कर लेंगे। ये बहुत ज्यादा मजेदार चटनी बनती है, इसकी खुशबू बहुत जबरदस्त लगती है सारे पुदीने की धनिए की। ये देखें यहाँ पे हमारी बहुत ही मजेदार सी जो है चटनी रेडी हो गई है और ये बहुत जबरदस्त लगती है टिक्के के साथ और जो है बोटियों के साथ। तो ये आप इस तरीके से बनाएं। ये देखिए मलाई बूटी जो चिकन मलाई बूटी के जो है मैंने सेकों में इस तरीके से रख लिया है। अब मैं जो है इसको कोयलों पे रख दूंगी। देखिए एक तरफ से रेडी हो चुका है, अब मैं इसको घुमा दूंगी। देखिए हम इस पर हल्का हल्का सा जो है ऑयल लगा देंगे। ये तकरीबन रेडी हो गया है, रेडी होने वाला है क्योंकि चिकन है बहुत जल्दी पक जाती है। ये देखिए यहाँ पे हमारी जो है मलाई बूटी, चिकन मलाई बूटी जो है वो रेडी हो चुकी है। मैंने स्पेशली इसके ऊपर रख दिया है ताकि जो है ये थोड़ी गर्म रहे। मैं यहाँ पर जो है थोड़ा सा ऑयल लगा के जो हमने टिक्का जो मसाला लगा के रखा था अब वो मैं उसके वो इसके अंदर ऐड करूंगी। देखिए आप टिक्के पे जो है ये देखिए यहाँ पे हमारी जो है चिकन मलाई बूटी रेडी हो चुकी है। अब मैं जो हूँ यहाँ पर मैंने टिक्का रखा है जब तक ये, अब इसको जो है मैं पलट दूंगी। अब ये देखिए यहाँ पे इसको जो है मैं पलट दूंगी। देखिए कितनी जबरदस्त खुशबू आ रही है और बहुत मजे का लग रहा है ये। ठीक है, अब हल्का हल्का सा ऑयल लगा देंगे। अब हम इसको दोबारा से पलट देंगे। ये देखिए ये अब थोड़ा सा रेडी, तकरीबन रेडी होने वाला है। ये जबरदस्त खुशबू आ रही है। ये देखिए ये हमारी जो है रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको जो है निकाल लूंगी। ये देखिए आप जबरदस्त खुशबू आ रही है। और ये देखिए आप देखिए इतनी जबरदस्त बना है ये, इतनी जबरदस्त खुशबू आ रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज कमेंट्स देकर जरूर बताइएगा, लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा और प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। Stay healthy, stay blessed. Thank you for watching this video. अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।